नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट जिले की कोचीवाड़ा पंचायत के अंतर्गत सदियों पुराना नरसिंह भगवान का भव्य मंदिर है, जहां मंदिर पर स्थित यादव समाज के नव निर्मित राधा कृष्ण मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमाओं को निर्धारित कर स्थल पर शुभ मुहूर्त निविराजित किया गया। इससे पहले संगमरमरी प्रतिमाओं के विभिन्न संस्कार संपन्न कराए गए, जिसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमाओं को मंदिर में विराजमान किया गया है। सर, आपका परिचय? जी, मैं गुलाब यादव, बालाघाट जिला यादव समाज संगठन से। सर, आज क्या कार्यक्रम था आपका? आज कल प्रभात फेरी निकाले हमारे यादव समाज और सर समाज के लोगों ने लामता ब्लॉक में, और आज श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का स्थापना की पूरी यादव समाज की तरफ से। और वैसे भी परंपरा हमारे यादव समाज के जो यादव भाई हैं, हमारे इष्ट देव है, इसलिए ज़्यादा ही हम लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और हमारे ज़िले से भी ऐसा है कि पूरे ब्लॉक ब्लॉक में, हर ब्लॉक में जाके यादव समाज की मूर्ति का स्थापना करें, घर में पूजा करें, ये हमारा ज़िले का भी आदेश है। और हमारे लामता ब्लॉक के जो यादव समाज के लोग हैं, इन्होंने बड़ी उत्साह के साथ यहाँ नरसिंगा पहाड़ी पर मूर्ति की स्थापना की, और यहाँ के जो हमारे हर गांव के जो यादव भाई हैं, उनका भारी योगदान रहा इस मंदिर बनाने में और मूर्ति स्थापना और सहयोग करने में। यादव समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यादव समाज को संदेश ये देना चाहते हैं कि आप बाकायदा अपने कृष्ण भगवान की पूजा स्थापना भी करें, और शिक्षा की तरफ भी मेरा ये है कि हमारे यादव समाज शिक्षा की तरफ जाएँ, जिससे यादव समाज का विकास भी हो और समाज की सुधारने में भी अच्छी। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय जीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।